हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइज। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रिलेटेड टू गॉड का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। हमने उसमें पढ़ा था कि लेंचो एक किसान है और लेंचो की उसने एक फसल उगाई हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओले पड़ने की वजह से, हेल स्टोन्स पड़ने की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वो भगवान को पत्र लिखता है और उनसे 100 पैसों की डिमांड करता है। आगे देखो उसने पत्र में क्या लिखा है और क्या उसे 100 पैसों मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो यार, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। गॉड ही रॉट, उसने लिखा कि भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरा परिवार और मैं भूखा ही रह जाऊंगा दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे ही रह जाएंगे क्योंकि हमारी फसल बर्बाद हो गई है। आई नीड 100 पैसों, हमें 100 पैसों की जरूरत है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, ताकि मैं अपने खेतों को फिर से उसमें फसल बो सकूं, एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक दोबारा फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक मैं जिंदा रह सकूं, इसलिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है। आगे वो लिखता है कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आगे वो भगवान को पूरी कहानी लिख के बताता है कि क्योंकि हेल स्टोन्स ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया है वगैरह वगैरह, वो बहुत कुछ लिखता है। ठीक है, आगे लिख रहा है कि ही रॉट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द इनवेलप, मतलब कि जो लेटर का इनवेलप था ना, लिफाफा था, लिफाफे के ऊपर उसने लिख दिया टू गॉड, भगवान के नाम। आगे देखो क्या होता है, पुट द लेटर इनसाइड, उसने लिफाफे के अंदर लेटर को डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी परेशान है कि क्या भगवान मेरी मदद करेंगे कि नहीं। वेंट टू टाउन, वो परेशान ही था और धीरे धीरे वो शहर की तरफ चल पड़ा, चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस पे पहुंचता है, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स, उसने क्या किया, स्टैम्प लगा दिया लेटर में, जो पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प मिलता है उसको लगा दिया, और क्या कर दिया, मेल बॉक्स में, जो पोस्ट, जो लेटर बॉक्स होता है उसमें उसने लेटर को डाल दिया। आगे देखो क्या होता है, ऑन द एम्प्लॉयज, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस का ही एक एम्प्लॉय था, एक कार्यकर्ता था, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि वहां पर पोस्टमैन के लिए तैनात था, लेकिन ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस के कामों में भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, उसने उस लेटर को निकाला, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, मतलब पोस्ट मास्टर के पास गया, लॉफिंग हर्टली, बहुत ठहाके मार के वो हंस रहा था, एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने भगवान के नाम जो पत्र आया था उसने पोस्ट मास्टर को दिखा दिया। नेवर इन हिज करियर एस अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, क्योंकि उसने अपने पूरी करियर में, अपनी पूरी नौकरी पीरियड में, इसने कभी भी वो एड्रेस तो जानता ही नहीं था कि ये एड्रेस पड़ता कहां है, मतलब भगवान का पता लिख दिया था। अब भगवान का पता तो पोस्टमैन जानता नहीं है, द पोस्टमास्टर, और जैसे ही वो लेटर पोस्टमास्टर के पास आता है, अब यहां पर पोस्टमास्टर के बारे में बताया गया है कि पोस्टमास्टर कैसा था। पोस्टमास्टर अ फैट अमिएबल, अ फैट का मतलब होता है मोटा आदमी था, अमिएबल का मतलब दयालु था, लोगों से घुलता मिलता था। ठीक है, अ फैट अमिएबल फेलो, मतलब वही मैंने बताया ना, एक मोटा सा और दयालु किस्म का व्यक्ति था पोस्टमास्टर। ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वो भी हंसने लगा जब उसने देखा कि भगवान के नाम पत्र आया है, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन तुरंत ही he turned serious, वो एकदम सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने अपने डेस्क पर लेटर को पटक दिया और कमेंट किया और कहा, क्या कहा, कहा कि वॉट फेथ, क्या विश्वास है इस बंदे का, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास भी इस लेंचो जैसा विश्वास मेरे अंदर भी होता जिसने भगवान को पत्र लिखा है, इतना विश्वास, काश ये विश्वास मेरे अंदर भी होता। आगे देखते हैं, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसलिए लेंचो का विश्वास भगवान पे बना रहे, इसलिए जो पोस्टमास्टर था केम अप विथ एन आइडिया, उसके मन में एक आइडिया आता है, आइडिया क्या आता है,
answer the letter, वो उस letter का उत्तर देना चाहता था भगवान बनके, वो भगवान की तरफ से उस letter का उत्तर देना चाहता था, but when he opened it, लेकिन जैसे ही उसने पत्र को लिखा, sorry, open किया, पढ़ना चाहा, it was evident, एक बात तो साफ हो गई थी, कि that to answer it, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए, he need something more, उसे कुछ और चीजों की जरूरत है, केवल गुडविल, गुडविल का मतलब होता है केवल अच्छा नेचर, इंक स्याही और पेपर के अलावा उसे कुछ और भी चाहिए था उस पत्र का उत्तर देने के लिए, but he stuck to his resolution, लेकिन वो फिर भी अड़ा रहा कि फिर भी कुछ भी हो जाए मैं इस पत्र का जवाब तो दूंगा ही. He asked for money from his employees. अब उसमें क्या लिखा था, पत्र में पैसे लिखे थे कि लेंचो को पैसे चाहिए ना, लेंचो ने भगवान से पैसे मांगे थे, तो इसलिए he asked for money from his employees, इसलिए पोस्टमास्टर ने पैसों की मांग कर दी अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज से, कहा कि भाई दे दो कुछ, लेंचो को देना है दया पुण्य के नाम पर. He himself gave part of his salary, उस पोस्टमास्टर ने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, और उसके कुछ दोस्तों ने ऑफिस वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो गए कुछ दान पुण्य करने के नाम पर. एक्ट एंड चैरिटी, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दान पुण्य के नाम पर. तो इसने क्या किया, पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज से भी कहा कि तुम लोग थोड़े थोड़े पैसे मिला दो, और उसके कुछ दोस्त जब उन्होंने सुना कि लेंचो को जरूरत है और उसका इतना विश्वास है भगवान के ऊपर, तो उसने क्या कहा, उन दोस्तों ने भी खुशी खुशी कुछ पैसे दान पुण्य के नाम पर, लेंचो के नाम पर दे दिया उन्होंने. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos. पोस्टमास्टर के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन था कि वो पूरे 100 pesos इकट्ठा एक साथ जमा कर ले. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर वनली अ लिटिल मोर देन अ हाफ. इसलिए उसने लेंचो को, फार्मर जो लेंचो था, लेंचो को उसने केवल आधे से ज्यादा पैसे दे दिए, मतलब पूरे पैसे वो कलेक्ट नहीं कर पाया. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने लिफाफे के अंदर पैसे डाल दिए, एड्रेस्ड टू लेंचो, और लिफाफे पे पता लिख दिया लेंचो का, एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. और उसके साथ, पैसे के साथ, उस लेटर में कुछ भी नहीं लिखा था, केवल एक सिग्नेचर थी किसके नाम पर, भगवान के नाम पर. तो ये था हमारा दूसरा कंप्रेहेंशन. ओरल कंप्रेहेंशन चेक का जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो को किसके ऊपर विश्वास था, तो लेंचो को गॉड के ऊपर फेथ था. व्हाट डिड ही डू, लेंचो ने क्या किया, ही डिमांडेड ऑफ 100 pesos टू गॉड बाय राइटिंग अ लेटर. हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा, तो पोस्टमास्टर ने पढ़ा लेटर. व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, उसके बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया, पोस्टमास्टर ने उस लेटर का जवाब देना चाहा और अपनी एम्प्लॉयज से और फ्रेंड्स से मिलकर आधे से ज्यादा पैसे जमा करवा लिए, उसके बाद लेंचो के नाम पर उसे भेज दिया. ये था हमारे तीनों क्वेश्चन का आंसर. समझ में आ गया हो तो द बेस्ट है, वरना क्वेश्चन आंसर सेशन देखना, सारे आंसर्स रिटन मिल जाएंगे आपको. चलो आगे चलते हैं हम. लास्ट कंप्रेहेंशन है ये हमारा. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, और अगली जो संडे आता है उस संडे को लेंचो थोड़ा पहले आ गया था कि देखूं भगवान का पत्र आया कि नहीं आया. देन यूजुअल टू आस्क इट, देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, वो उस संडे को थोड़ा जल्दी आ गया था ये पूछने के लिए कि क्या उसके नाम पर कोई पत्र आया है क्या. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और पोस्टमैन ने, जैसे ही लेंचो ने पोस्टमैन से पूछा, तो पोस्टमैन ने हिमसेल्फ खुद ही उस लेटर को लेंचो को दे दिया. वाइल द पोस्टमास्टर, और तभी जबकि जब वो पोस्टमैन लेटर दे रहा था लेंचो को, तो पोस्टमास्टर ने क्या किया, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज
performed a good deed, looked on from his office. और इसने कहा वो जो postmaster था वो experience कर रहा था, महसूस कर रहा था एक contentment का भाव, संतुष्टि का भाव वो अपने अंदर feel कर पा रहा था, जिसने who has performed a good deed, जिसने ये अच्छा कार्य किया था वह अपने अंदर बहुत ही संतुष्ट महसूस कर रहा था, बहुत ही contentment महसूस कर रहा था. Looked on from his office, वो अपने ऑफिस से ही बैठ के लेंचो को देख रहा था कि लेंचो का रिएक्शन क्या होता है. लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, जब उसने पैसे को देखा लिफाफे के अंदर उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका जो विश्वास था भगवान पे वो इतना अडिक था कि उसको भगवान पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो उल्टा गुस्सा हो गया. किस बात पे गुस्सा हुआ? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना उसको पैसा थोड़ा कम लगा तो वो इस बात पे गुस्सा हो गया. God could not have made a mistake, उसने कहा कि भगवान ये गलती नहीं कर सकता. Nor could he have denied Lencho what he had requested, और ना ही भगवान ने Lencho को उतने पैसे देने से मना किया है जितना Lencho ने मांगा था. Immediately Lencho went up to the window, और अचानक Lencho मुड़ा और खिड़की के पास गया पोस्ट ऑफिस के, to ask for paper and ink, ताकि वो पेपर ले सके उनसे और स्याही ले सके, इंक ले सके. On the public writing table, public writing table क्या होता है? ये पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में एक टेबल रखा रहता है जहां पर सब लोग बैठ के लेटर को लिखते हैं. उसी टेबल पर Lencho ने लिखना स्टार्ट कर दिया. He started to write with much wrinkling of his brow, अपनी आईब्रोज को वो बार बार सिकोड़ लेता था. When, कब सिकोड़ता था? Caused by the effort he had to make to express his ideas, उसे अपनी feelings को letter में लिखने के लिए सोचना पड़ता था और जिसके लिए वो अपनी eyebrows को बार बार सिकोड़ लेता था, मतलब wrinkle कर लेता था, मतलब बहुत परेशान हो जाया करता था. When he finished, जब उसने letter लिख लिया, he went to the window, वो वापस खिड़की पे गया to buy a stamp, और वहां से stamp खरीदा, which he lit, जिसे उस stamp को उसने letter के ऊपर स्टाम्प को उसने क्या कर दिया? रख दिया, लिख कर दिया, एंड देन अफिक्स्ड, और चिपका दिया. कैसे चिपकाया? देखो आगे नीचे लिखा है कैसे चिपकाया उसने. द इनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के की जोर से उसने उस स्टाम्प में चिपका दिया. उसके बाद क्या हुआ? द मूवमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और जैसे ही वो लेटर वो पत्र Lencho का मेल बॉक्स में पड़ता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तुरंत पोस्ट मास्टर जो होता है वो खोल के देखने जाता है कि Lencho ने क्या लिखा है. इट सेड, देखो Lencho ने क्या लिखा था. Lencho ने कहा था कि भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितने पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, मैंने 100 पैसोस मांगे थे और केवल 70 पैसोस मेरे पास पहुंचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, और मुझे जो बचे हुए पैसे हैं वो भी भिजवा दीजिए. सिंस आई नीडेड वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन पत्र से मुझे पैसे मत भिजवाइएगा. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस employees are a bunch of crooks, क्योंकि जो यहां पर पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो क्या हैं? वो bunch of crooks हैं, मतलब ठगेदार हैं. लास्ट में उसने लिख दिया, अपना साइन कर दिया Lencho. तो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा कि Lencho नाम का एक किसान है, उसको भगवान पे इतना ज्यादा विश्वास होता है कि वो जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो भगवान को, भगवान से पैसे मांगने के लिए पत्र लिखता है और उसे पत्र का जवाब भी मिलता है. बाकी सब कुछ क्या हुआ था हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है. आई थिंक आपको दोनों पार्ट समझ में आ गया होगा. कंप्रेहेंशन चेक जो है इसका देख लेते हैं हम. वॉस Lencho सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या Lencho सरप्राइज हो गया था जब उसने पैसे देखे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि भगवान उसे पैसे भिजवा ही देगा. व्हाट मेड हिम एंग्री, वो गुस्सा क्यों हो गया? जब उसने 100 पैसों की डिमांड की थी और पोस्ट ऑफिस वालों ने, मतलब जो भगवान की तरफ से लेटर आया था उसमें केवल 70 पैसे थे, इस बात पर Lencho एंग्री हो गया था क्योंकि पैसे कम थे. उसे लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने पैसे चुरा लिए हैं. तो आई थिंक दिस इज अबाउट द होल चैप्टर. जो क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम फिर से सारी क्वेश्चन आंसर को फिर से लेके आएंगे आपके लिए. तो आप पूरा फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट देख के रखिए. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.